ट्यूबलर कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। भारत से आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे? रुवांडा। रुवांडा एक देश है, अफ्रीका का देश है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, एक छोटा सा लैंडलॉक देश है रुवांडा। सो रुवांडा का जो नेबरिंग कंट्रीज है तंजानिया, बुरुंडी, कंगो और उगांडा। सो चार कंट्रीज उनका चारों बाजू में है, इसीलिए एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है। उनका खुद का पोर्ट नहीं है, रुवांडा का खुद का पोर्ट नहीं है। किगाली जो है उनका राजधानी है, कैपिटल है। रुवांडा का पॉपुलेशन है करीब 1,20,00,000 पॉपुलेशन है। और रुवांडा में जो पहला बेल्जियम और फ्रांस का कॉलोनी था, इसलिए रुवांडा में फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है और स्वाहिली लैंग्वेज भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा करके लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, बात करते हैं। और इंग्लिश भी 60-70% जो लोग इंग्लिश भी समझते हैं और बोलते हैं। सो रुवांडा एक इम्पोर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। आगे हम बात करेंगे। सो रुवांडा का जो है खुद का पोर्ट नहीं है, तो रुवांडा डिपेंड करता है केनिया और तंजानिया के ऊपर। सो केनिया का पोर्ट है मुम्बासा, तंजानिया का पोर्ट है दार एस सलाम। सो दो पोर्ट जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ रुवांडा में लोकेटेड है, तंजानिया और केनिया। आपको बता दिया दो पोर्ट है जहाँ से अगर आप भारत से आप रुवांडा एक्सपोर्ट करोगे थ्रू सी कार्गो में, तो आपको ये दोनों पोर्ट टारगेट करना पड़ेगा। इधर दार एस सलाम ऑफ तंजानिया का पोर्ट दार एस सलाम और केनिया का मुम्बासा पोर्ट, फिर वहीं से बाई रोड रुवांडा में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बाई ट्रक में। अगर आप एयर कार्गो में टारगेट करना चाहते हो रुवांडा, तो उनका किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। केनियन एयरलाइंस भी वहाँ जाता है, केनियन एयरलाइंस जाती है और एमिरेट्स भी जाती है। तो इसलिए आप जैसे आपको नीचे दिखा रहा हूँ cogoport.com, अगर सी कार्गो में आप प्राइस चेक कर सकते हैं रुवांडा का। और एमिरेट्स और एयर इंडिया बहुत सारे जो एयरलाइंस, इथियोपियन एयरलाइंस, बहुत सारे एयरलाइंस जाती है रुवांडा। इसलिए आप रुवांडन एयरवेज फिलहाल तो नहीं आ रहा इंडिया, तो आप केनियन एयरलाइंस के ऊपर टारगेट करिए, केनियन एयरलाइंस या दुबई का जो है एमिरेट्स एयरलाइंस। केनियन एयरलाइंस मुंबई से जाती है, तो आपको केनियन एयरलाइंस का कार्गो चेक कर लीजिए, या आप एमिरेट्स का कार्गो चेक कर लीजिए, एयर इंडिया भी चेक कर लीजिए, तो आपको जो कार्गो एयर कार्गो का प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जैसा आपको बता दिया मैंने, रुवांडा एक तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनका, क्योंकि रुवांडा में 1994 में एक जेनोसाइड हुआ था, तो वहाँ का जो काफ़ी लोग मारे गए थे रुवांडा में, उनका जो पॉपुलेशन में उनका जो काफ़ी लोग मरने के बाद नया गवर्नमेंट बना, तो तभी से 1994 से अब तक 2020 तक रुवांडा काफ़ी तेज़ी से उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो इसीलिए रुवांडा को अफ्रीका का सिंगापुर कहा जाता है, क्योंकि उनका जो इतना फास्ट बढ़ रहा है उनका इकोनॉमी। और उनका जो आप किगाली कैपिटल अगर कभी ट्रैवल करोगे, आप देखेंगे उनका जो कंस्ट्रक्शन मार्केट भी बहुत बूमिंग है, कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए आगे हम बात करेंगे आप क्या क्या प्रोडक्ट आप वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। और रुवांडा में जो है आपको बता दिया मैंने, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, लैंडलॉक कंट्रीज है। किगाली में आपका जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और रुवांडा में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो रुवांडा में आप अगर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन कंपनी करना चाहते हो, तो रुवांडा में फ्री है कंपनी रजिस्ट्रेशन, फ्री है। आपको जाके रुवांडा में किगाली में डायरेक्ट ऑफिस में जाके कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ भी पैसा जरूरत नहीं है, फ्री है, गवर्नमेंट फ्री दिया हुआ है। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए, विद इन 1 आवर आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, कंपनी का जो लाइसेंस आपको मिल जाएगी, फिर आप दुकान लेके, वेयरहाउस लेके, ऑफिस लेके आप कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए कि गवर्नमेंट बहुत उनका आगे गवर्नमेंट आगे बढ़ रहा है, उनका जो बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उनका गवर्नमेंट चाहता है कि दुनिया भर का बिजनेसमैन वहाँ आए और बिजनेस करे। इसलिए उनका जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो रजिस्ट्रेशन फीस सब फ्री है, आप वहाँ जाके फ्रीली कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, इंडिया से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज को री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, डिटेल्स बता दिया रुवांडा के बारे में। तो रुवांडा में आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया से, भारत से आप क्या क्या प्रोडक्ट रुवांडा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया से राइस एक्सपोर्ट होती है पूरा वर्ल्ड वाइड। आप अगर आप एक राइस एक्सपोर्टर है, तो राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
सेकंड है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जाता है, मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, व्हीकल्स ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, मोटरसाइकिल्स, मोटरबाइक और साइकिल, बाइसाइकिल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिरामिक जितना आता है आपका फ्लोरिंग का सिरामिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, टेक्सटाइल वहाँ बहुत चलता है, इंडिया का टेक्सटाइल जाता है, अफ्रीकन मॉडल का जो टेक्सटाइल होता है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स, रुवांडा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत होता है तो फर्टिलाइजर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, और इंडियन ग्रोसरी प्रोडक्ट आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ग्लास और ग्लासवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अल्मोनियम। तो ये सब जितना प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट आपने रुवांडा एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इन प्रोडक्ट का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है रुवांडा, आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा चेक करिए क्या क्या प्रोडक्ट हम इंडिया से रुवांडा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रुवांडा जो है एक रुवांडा में जितने बहुत सारे एक्सपो भी वहाँ होता है, एग्जीबिशन होता है, तो क्या क्या एग्जीबिशन होता है और एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर का डिटेल्स मैंने, एक्सपो का साइट्स मैंने उनका अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। और रुवांडा में बहुत सारे बिजनेस डायरेक्टरी है, उनका जो B2B ट्रेड साइट है और बिजनेस डायरेक्टरीज है, मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चेक कर लीजिए, और रुवांडा का जो बिजनेस डायरेक्टरी मैं ऐड कर दूंगा उसमें आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए एज एक्सपोर्टर, और रजिस्ट्रेशन करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का प्राइस के साथ ऐड कर लीजिए, और रुवांडा का जो सर्च इंजन वगैरह में उनका जो गूगल का सर्च इंजन है, ज़्यादा करके साउथ अफ्रीकन सर्च इंजन में काम आता है, तो गूगल का जो सर्च इंजन ईस्टर्न यूरोपियन में क्या काम आता है मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप उन सब सर्च इंजन में आपका कंपनी ऐड कर लीजिए, ताकि रुवांडा में जो इम्पोर्टर्स है उनको मालूम पड़े, उनको सर्च में आपका कंपनी दिखाई दे। सो रुवांडा में और क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मेन आपको डिटेल्स आपको मैं बता दिया, और रुवांडा में काफ़ी जो इंडिया से जो इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह एक्सपोर्ट होती है, और फैशन प्रोडक्ट आप इंडिया से कितना सारा फैशन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, विग वगैरह जो ह्यूमन हेयर और विग वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का जो लोग हैं ज़्यादा करके जो फैशनेबल रहते हैं, वहाँ का जो फीमेल है फैशनेबल रहते हैं, फीमेल जितना सारा फीमेल का जो प्रोडक्ट होता है उनका जो फैशन प्रोडक्ट होता है ह्यूमन हेयर विग वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ये जो प्रोडक्ट मैंने डिटेल्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप रुवांडा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप तैयार हो जाइए, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कार्गो का डिटेल्स मैंने आपको डिटेल्स कार्गो का जो साइट मैंने नीचे दिखा दिया हूँ ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, कार्गो का डिटेल्स कर देता हूँ आपको ऐड कर देता हूँ। आप कार्गो डिटेल कार्गो का जो पोर्ट आपका जो कोगो पोर्ट में आप जाके सर्च करके देख लीजिए कि प्राइस क्या आएगा आपको इंडिया से लेकर सी कार्गो में अगर आप भेजोगे दारुसलाम या उनका जो दो पोर्ट है उनका जो रुवांडा का खुद का पोर्ट नहीं है, उनका दो जो नेबरिंग कंट्रीज है केनिया और तंजानिया, उनका दो पोर्ट है, एक तो है मुंबासा और दारुसलाम। मुंबासा हो गया केनिया का पोर्ट है और दारुसलाम हो गया तंजानिया का पोर्ट है, तो दोनों पोर्ट से आप भेज सकते हैं इंडिया से, दोनों पोर्ट से फिर आप बाई रोड आ जाएगी रुवांडा में। तो रुवांडा का जो चार कंट्रीज है नेबरिंग कंट्रीज है कंगो, तंजानिया, उगांडा और बुरुंडी, चार कंट्रीज है। तो वहाँ पर री एक्सपोर्ट अगर रुवांडा में आपका बिजनेस आप सेटअप करते हो तो वहाँ री एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रुवांडा का जो राजधानी है किगाली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सी एयरफ्रेट का चेक कर सकते हो आप एमिरेट्स और केनियन एयरलाइंस में या एयर इंडिया में, आप एयर कार्गो भी प्राइस चेक कर लीजिए और सी कार्गो का प्राइस आप चेक कर लीजिए, और जितना प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए इंडिया। अगर आप एक फर्स्ट टाइम आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारा एक पहले वाला वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, पहले हम वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज का
हम एक्सपोर्ट का बिजनेस, एक्सपोर्ट का रिलेटेड हम बता बना चुके हैं वीडियो। आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक में जाके, वीडियो का लिंक में जाके देख लीजिए पुराना वाले वीडियो, तो आपको पूरी तरह मालूम हो जाएगी कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा उस बारे में डिटेल्स आपको मैंने बता दिया हूँ पहले उस वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट के लिए मेनली तीन लाइसेंस की ज़रूरत होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको एक फर्स्ट आपको एक छोटा सा लाइसेंस अगर बनाना चाहते हो प्रोप्रेटरशिप लाइसेंस बना लीजिए, या एक प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बना सकते हैं। सेकेंडली आप DGFT जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट का जो है DGFT फॉरेन ट्रेड का, DGFT में जाके उनका जो वेबसाइट में दिखा रहा हूँ उसमें जाके रजिस्टर करके आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड ले लीजिए, फिर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहले वाला वीडियो में आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ऐड कर लेता हूँ। हो सकता है आप ये हमारा आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दिया रुवांडा आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रुवांडा में अगर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस वहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री है, कंपनी ट्रेड लाइसेंस फ्री है, वो भी आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं और इंडिया से इम्पोर्ट करके वहाँ री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और रुवांडा में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिलहाल, और रुवांडा में अगर आप एक कंस्ट्रक्शन का एक्सपोर्टर हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आप कोई भी चीज़ आप हार्डवेयर हो गया या सिरामिक या कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयरन स्टील सीमेंट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने फुल्ली डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप रुवांडा एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इंडिया से एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट करते रहिए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए। देखिए जितने आप एक्सपोर्ट करोगे हमारा देश का इकोनॉमी उतने तेजी से आगे बढ़ेगा। जितने आप एक्सपोर्ट करोगे तो देखिए जितने वर्ल्ड में जितने सारे डेवलप्ड कंट्री है, वेल रिच कंट्री है, वेल डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज है, वो सारे कंट्रीज एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा बढ़ने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने के साथ साथ हमारे देश के जितने जो जॉब सीकर्स हैं नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ सभी इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगा, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री होगा, सब कुछ बढ़ते जाएगा। इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस जरूर करिए, इम्पोर्ट ज़्यादा मत करिए, क्योंकि इम्पोर्ट बिजनेस करोगे तो हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह जितने सारे इम्पोर्ट करते हो, जहाँ से इम्पोर्ट करते हो, जिस देश से आप इम्पोर्ट करते हो उस देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहाँ का लोग को नौकरी मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा करके जो बिजनेस करना चाहते हो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। इंडिया एक सेकेंड वर्ल्ड का सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग हब है फिलहाल, चाइना के सेकेंड है, हो सकता है आगे हम निकल जाए, चाइना के आगे निकल जाए। अगर आप एक्सपोर्ट करते रहोगे तो हम चाइना जैसे भी बन जाएंगे कुछ सालों में। इसलिए आप एक्सपोर्ट करते रहिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहिए और हमारा देश का इकोनॉमिक को आगे बढ़ाते रहिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुंच जाए और किसी को काम आ जाए। ऐसे हम बहुत सारे कंट्रीज का एक्सपोर्ट के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे का वीडियो आपके पास पहुंचा सके। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।